गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी, टुडे इज 14 जुलाई। नाउ दिस इज माई लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज। टुडे वील स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ डिफरेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड बाई CBSE इन डिफरेंट वेज। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर आस्किंग एंड वॉट यू हैव टू एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन CBSE ने कई बार अलग अलग तरह से पूछे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि किस में वो साइंस के बारे में पूछ रहे हैं, किस में आर्ट्स के बारे में, और किस में वो एज अ प्रोफेशन बोल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस से क्या मतलब है। साइंस से ये मतलब है कि कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब आप भी जानते हैं कि हम कॉमर्स स्ट्रीम जो होती है ना, हम कॉमर्स स्टूडेंट को कॉमर्स स्ट्रीम कहा जाता है, साइंस स्ट्रीम, मैथ्स स्ट्रीम, इस तरह से कहा जाता है। तो हम कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो एक्चुअली आर्ट्स में काउंट होते हैं। जब गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, कोई भी सरकारी नौकरी जिसमें आर्ट्स स्टूडेंट अलाउ होते हैं, या जो एलिजिबिलिटी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए होती है वही कॉमर्स के लिए भी होती है। कॉमर्स को आर्ट्स में गिना जाता है सरकारी नज़रिए में, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कॉमर्स एक आर्ट्स है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कॉमर्स एक साइंस है। तो आज हम यही देखेंगे कि कॉमर्स साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ साइंस, आखिर साइंस होता क्या है। जब तक हम साइंस को ठीक से नहीं समझेंगे, हम मैनेजमेंट को साइंस के रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम देखें कि साइंस आखिर होता क्या है। साइंस वही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये सब साइंस है, यानी विज्ञान है। तो साइंस होता क्या है? साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है? सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को बनाना या देखना, विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो क्या बताती है, रिलेशन किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट, यानी किस कारण से और उसका असर क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताती है। विच इज साइंटिफिकली डिवेलप्ड, जो कि साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। अब फिर से मैं बता रहा हूँ साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि बताता है कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, जो कि साइंटिफिकली डेवलप किया जाता है और उसके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। 11th क्लास में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में उसके आगे की स्टेप्स पढ़ाई जाती है, एक एक करके सिखाया जाता है, क्योंकि ये नॉलेज स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा, कॉज एंड इफेक्ट बताता है। कैसे कॉज एंड इफेक्ट बताता है? जैसे हम केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल देखते हैं, तो अगर आप इस इतना ग्राम ये वाला केमिकल और उतना ग्राम वो वाला केमिकल मिलाएंगे तो उससे ये चीज़ बनेगी। जैसे हम कहते हैं H2O, यानी कि वाटर, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलाएंगे तो वाटर बन जाएगा, यानी H2O बन जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है कि कारण क्या है और उससे होता क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि साइंटिफिक तरीके से डेवलप किए जाते हैं, और इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब ये होता है कि सब जगह एक जैसे होते हैं और एक ही तरह से माना जाता है। भाई आप अगर यहाँ पर H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलाएंगे तो वाटर बनेगा इंडिया में, अमेरिका में मिलाएंगे तो भी बनेगा, कहीं भी मिलाएंगे, मून पे मिलाएंगे तो भी बनेगा। हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, के साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। इतना समझ में आया कि साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है और उसके करने से क्या होगा या क्या हुआ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है जो कि साइंटिफिकली डेवलप किया जाता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, ये साइंस कहलाता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस कि क्या ये साइंस की प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी हैं। अगर ये सब चीज़ें साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट में अगर हैं तो हम कह देंगे कि मैनेजमेंट भी साइंस है, क्योंकि साइंस वाली सारी चीज़ें मैनेजमेंट में हैं। अब हम यही देखते हैं कि जो साइंस की डेफिनेशन है, जो साइंस का मीनिंग है, क्या वो चीज़ें मैनेजमेंट में हैं। यहाँ देखिए,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट को एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बताइए है कि नहीं है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ, यानी प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट में। तो साइंस का ये पहला पॉइंट मैनेजमेंट में है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में होता है। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, यानी बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और हर बार जब एक जैसा रिजल्ट निकलता है तो कहा जाता है कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल है और ये साइंस है ना। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब पहली बार किसी चीज़ की खोज होती है तो साइंटिस्ट लोग उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब हर बार सेम रिजल्ट आता है तो फिर उस चीज़ को प्रिंसिपल बन जाता है और उसे साइंस कहा जाता है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं। आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें आप F.W. टेलर के और हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। वो सब प्रिंसिपल्स लोगों पर बार बार चेक किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, और उनका रिजल्ट हर बार एक जैसा आया है ना। इसलिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यानी मैनेजमेंट के, वो भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट बार बार किए गए लोगों पे, कि लोगों को अगर मोटिवेशन दिया जाए, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, प्रेरणा मीन्स उकसाना, किसी काम को करने के लिए उसके अंदर इच्छा जगाना, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। तो अगर किसी को मोटिवेशन कंटिन्यूसली दिया जाए तो उसकी काम करने की एफिशिएंसी में सुधार आ जाता है, वो परफेक्ट बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। अगर कोई एक पर्सन बार बार एक ही काम को करे तो उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है ना। तो ये बार बार स्टडी की गई तब ये प्रिंसिपल बने हैं कि मोटिवेशन देना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, फिर और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड हैं। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी ये वाला पॉइंट कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, मतलब यूनिवर्सली सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये बात सही है कि आप जो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, देखिए हम ये जो आप कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र था, है ना, अर्थशास्त्र हमारे यहाँ पर था, लेकिन प्रॉपर कॉमर्स के नाम से कोई सब्जेक्ट, कोई स्ट्रीम नहीं थी। ये अभी कुछ 12-15 साल में एकदम से नई स्ट्रीम चालू हुई है और उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि CBSE ने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा और लोगों ने भी डिमांड करी कि हमें बिजनेस भी सिखाया जाना चाहिए स्कूल के सिलेबस में। तो अब आप इसको पढ़ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंस बिजनेस की यहाँ है वही बिजनेस की इम्पोर्टेंस हर जगह है। यूनिवर्सल वैलिडिटी से मतलब ये है कि जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप किसी को कोई अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे दीजिए, और अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी भी उसको दीजिए, है ना। जैसे आपसे कहा कि भाई ये काम आपको करना है, 10 लेबर आप ले लीजिए, तो अब वो आप काम कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी आपके पास में, आपने अपने हिसाब से 10 लेबर चुन लिए, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप काम करवा रहे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जवाब कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी ही होगी। तो अगर किसी को अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, उसकी होगी। और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब आपने कहा कि भाई ये काम ठीक से होना चाहिए, इसकी जवाबदारी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरी दे दी, तो अथॉरिटी भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। अगर उसको लग रहा कोई लेबर गलत है तो उसको निकाल सकता है, वो नहीं निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा तो वो अपना काम नहीं करवा पाएगा, आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो प्रिंसिपल जो इंडिया में जैसा काम करेगा, आपके शहर में, आपके गांव में जिस तरह से काम करेगा, वैसे ही वो अमेरिका में भी काम करेगा, वैसे ही वो रशिया में भी काम करेगा, हर जगह एक जैसा रिजल्ट वो देगा। इसलिए कह रहे हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। और यही चीज़ तो साइंस में भी होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, यही सेम चीज़ साइंस में भी होती है। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टर, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी मैनेजमेंट में है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट भी मैनेजमेंट में है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी भी मैनेजमेंट में है, जो कि तीनों के तीनों पॉइंट्स साइंस से रिलेटेड हैं।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक साइंस है, क्योंकि साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट में हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस तो है बट बीइंग अ सोशल साइंस, लेकिन एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होने के कारण, सामाजिक विज्ञान से मतलब क्या है, रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशल साइंस होने के कारण इसके रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आते हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के आते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर बार एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, हाइड्रोजन के दो एटम मिलाएंगे, ऑक्सीजन का एक एटम मिक्स करेंगे तो पानी यानी कि H2O ही बनेगा, वाटर ही बनेगा, ये फिक्स है, हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंसानों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, 15 मिनट्स वाला ना, यहाँ पर हम इंसानों के साथ डीलिंग कर रहे हैं। और हर पर्सन, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, दुनिया के कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते 100%। ट्विंस भी आप देखेंगे, जिनकी शक्ल सूरत मिल रही है उनकी आदतें अलग होंगी, उनका व्यवहार अलग होगा। अगर किसी का व्यवहार एक जैसा लग रहा है तो उनकी शक्लें अलग होंगी, अगर शक्लें व्यवहार भी एक जैसा है तो उनकी हाइट अलग होगी, अगर हाइट भी एक जैसी है तो उनकी हेल्थ अलग होगी। मतलब कोई भी दुनिया के दो इंसान एक जैसे होते ही नहीं है। तो एक ही प्रिंसिपल जब आप अलग अलग लोगों पर अप्लाई करते हैं तो हर व्यक्ति उसका अपने हिसाब से, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से, बस हो गया, फिनिश करके आ रहा हूँ, अपने हिसाब से उसका समझता है और उसका रिजल्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए एक लेबर ठीक से काम नहीं कर रही, आपको अपना काम चाहिए, आपने उसको बुरी तरीके से चिल्ला दिया, आपने उसे बुरी तरीके से चिल्लाया, वो सुधर गया, वो अच्छे से काम करने लगा कि साहब डांटेंगे, मालिक चिल्लाएंगे। लेकिन वहीं एक लेबर है जो बड़ा अकड़ू है, ख़राब है, बेकार है, उसको आपने चिल्लाया तो वो भी अकड़ के पलट के उल्टा सीधा जवाब दे देगा, नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो काम आपने दोनों के साथ एक ही किया, उसको भी चिल्लाया, उसको भी चिल्लाया, लेकिन जिसकी मेंटेलिटी अकड़ वाली थी, ख़राब थी, बेकार थी, वो छोड़ के चला जाएगा। जिसकी जो सही गलत समझता था कि मैंने गलती करी इसलिए मालिक चिल्ला रहा है, वो अपने आप को सुधार लेगा। अब काम एक ही दोनों के साथ किया है लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग आया, एक व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, दूसरा सुधर जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर इंसानों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट हर बार सेम नहीं आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह। तो मैनेजमेंट एक साइंस है बट बीइंग अ सोशल साइंस इट रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट को इज कॉल्ड यंगेस्ट ऑफ साइंस, कि साइंस में अभी ये एकदम नया है, छोटा है, बच्चा है, बाद में पूरा डेवलप साइंस बन जाएगा। लेकिन ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स, लेकिन आर्ट में ये सबसे ओल्ड है, यानी आर्ट की फील्ड का मैनेजमेंट राजा है, साइंस की फील्ड में अभी नया सैनिक है, उसको समय लगेगा। और एक और इसमें चीज़ बनती है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बट नॉट प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, बिकॉज इट्स रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट और सेम ऑल द टाइम। मैनेजमेंट एक साइंस तो है मगर प्योर साइंस नहीं है फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह, क्योंकि इसके रिजल्ट सेम नहीं होते। ठीक है, पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू।